नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर। दोस्तों मेरे पास में एक EMI का TV आया था और इसमें STG C-Shot का पैनल लगा हुआ है। देखिए ये C-Shot का पैनल है और ये पैनल दोनों तरफ से शॉर्ट था। दोनों तरफ से शॉर्ट होने के बावजूद फिर मैंने एक साइड से पहले इसकी शॉर्टिंग हटाई, इस साइड से शॉर्टिंग हटाई मैंने, देख सकते हो यहाँ पर ये जो है, यहाँ मैंने एक साइड से इसकी ये कॉर्नर पर शॉर्टिंग थी, मैंने शॉर्ट किलर से इसकी शॉर्टिंग हटाई। उसके बाद एक साइड ब्लॉक किया तो भी मेरी पिक्चर नहीं बन रही थी। बाद में फिर फाइंड किया क्योंकि ये 4K है, तो फाइंड करने के बाद मुझे आखिर में मिले ये 2 कप। देखिए ये 2 कप ओपन करने के बाद, मेरा वोल्टेज बनने के बाद पिक्चर नहीं आ रही थी इसके अंदर में, कुछ भी पिक्चर नहीं थी। जब मैंने ये कप ओपन किया और ये कप ओपन किया, ये दोनों कप ख़राब है। ये 2 कप ओपन करने के बाद इसमें डायरेक्टली पिक्चर आ गई, इसलिए ये 2 कप यहाँ से अब जब बदली हो जाएंगी तो ये पिक्चर भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। देखिए अब नीड इन क्लीन है, नो लाइन नो कुछ है यहाँ से। अब बस ये 2 कप डालने के बाद इसमें भी पिक्चर आ जाएंगी। देखिए 4K में जब भी आप ये एक एक 1x1 जब आपके पास में आएगा कोई भी 4K का TV है, तो ये FFC निकालोगे और इधर का लगा रहेगा तो भी आपकी पिक्चर नहीं बनेगी, और इधर की निकालोगे और इधर की लगी रहेंगी तो भी आपकी पिक्चर बनेंगे नहीं। जब दोनों भी साइड की जब इसमें FFC लगती है तभी जाकर ग्राफिक्स बनता है इसमें, तो इसीलिए इसको 1x1 निकाल के जब भी चेक करते तो इसमें पिक्चर नहीं बनती है 4K के पैनल में। ये याद रखना हमेशा, जब तक ये दोनों साइड के FFC नहीं लगती तब तक इसमें पिक्चर नहीं बनती है।